पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के एआईसीसी के झारखंड के इंचार्ज आरपीएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं और विधायकों का पार्टी बदलने का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े नेता पाला बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे आरपीएन सिंह ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं, प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह का पूरा नाम रतनजीत प्रताप नारायण सिंह है। आरपीएन सिंह करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। वो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। आरपीएन सिंह यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। वो यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। आरपीएन सिंह यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। रतनजीत प्रताप नारायण सिंह पूर्व सांसद सीपीएन सिंह के बेटे हैं। 2009 में आरपीएन सिंह कुशीनगर से सांसद बने थे। वो 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं, कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश बना जाएगा। पडरौना विधानसभा सीट से आरपीएन सिंह 1996, 2002 और 2007 में 3 बार कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। आरपीएन सिंह 4 बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता सिर्फ 1 बार 2009 में मिली थी और तत्कालीन यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और गृह राज्य मंत्री बने थे। आरपीएन सिंह को कांग्रेस ने कई राज्यों का प्रभारी भी बनाया था। उनके पिता सीपीएन सिंह भी कांग्रेस के वफादार नेता थे। हैरानी की बात है कि यूपी चुनाव के लिए आरपीएन सिंह का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था। ऐसे में उनका इस्तीफा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में आरपीएन सिंह का अपना एक मजबूत होल्ड है। वो पिछड़ी जाति सेंतवार कुर्मी से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वांचल के कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया वो खास इलाके हैं जहां सेंतवार जाति के लोगों की तादाद अच्छी खासी संख्या में है। 3,48,000 मतदाताओं वाली पडरौना विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 84,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के वोटर हैं जिनकी संख्या करीब 76,000 है। ब्राह्मण 52,000, यादव 48,000, जिसके बाद आरपीएन सिंह की विरादरी सेंधवार वोटर 46,000, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवा जाति के वोटर लगभग 44,000 हैं। आरपीएन सिंह को पडरौना का राजा साहेब भी कहा जाता है और उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। उनके बीजेपी में आने की चर्चा काफी समय से चल रही थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है।